कृपया ध्यान दीजिए, रेल बॉय आयुष एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर यूट्यूब पर आ चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम भारतीय रेलवे के SER जोन की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर आप एक रेल फैन हैं या फिर रेलवे में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको रेलवे के सारे जोन के हिस्ट्री के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। दोस्तों, यह बात सन 1887 की है जब बंगाल नागपुर रेलवे कंपनी नागपुर छत्तीसगढ़ रेलवे में शामिल हुआ। तब इसके गेज में कन्वर्जन करके सन 1888 में ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया। तत्पश्चात 1891 में इस लाइन को नागपुर से आसनसोल तक तथा एक ब्रांच लाइन बिलासपुर से उमरिया होते हुए कटनी तक कोल माइंस के लिए बनाया गया। दोस्तों, 20वीं सदी के अंत तक बंगाल नागपुर रेलवे से कई सारे ब्रांच लाइन जुड़ गए, जिससे यह उस टाइम तक देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क बन गया था। तब इसके मैनेजमेंट को ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने 1 अक्टूबर 1944 को अपने अंडर में ले ली और 1952 से इसे ईस्ट इंडियन रेलवे के नाम से जाना जाने लगा। दोस्तों, आजादी के बाद जब रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ तब बंगाल नागपुर रेलवे 1 अगस्त 1955 से एक सेपरेट जोन बन गया, जिसे कि साउथ ईस्टर्न रेलवे यानी कि SER रेलवे जोन का नाम दिया गया। दोस्तों, इस जोन के भार को कम करने के लिए एरिया वाइज डिवीजन बनाए गए थे, जो कि मार्च 2003 तक SER जोन में खड़गपुर, आद्रा, संबलपुर, खुर्दा रोड, विशाखापत्तनम, चक्रधरपुर, बिलासपुर और नागपुर मिलाकर टोटल 8 डिवीजन थे। बाद में 1 अप्रैल सन 2003 को एक नया जोन ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन बनाया गया, जिसमें SER का खुर्दा रोड, संबलपुर और विशाखापत्तनम डिवीजन मिल गए और 5 अप्रैल सन 2003 को एक और जोन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जोन बनाया गया, जिसमें कि SER जोन का बिलासपुर और नागपुर डिवीजन मिल गए। तब SER जोन के पास मात्र 3 डिवीजन खड़गपुर, आद्रा और चक्रधरपुर बचे। दोस्तों, 13 अप्रैल सन 2003 को एक और नया डिवीजन बना, जो कि था रांची डिवीजन, जिसे कि SER रेलवे जोन में शामिल किया गया। दोस्तों, वर्तमान में साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के पास टोटल 4 डिवीजन आद्रा, चक्रधरपुर, खड़गपुर और रांची डिवीजन है, जिसका हेड क्वार्टर गार्डन रिज कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। दोस्तों, SER रेलवे जोन की सीमा 3 राज्य वेस्ट बंगाल, झारखंड और उड़ीसा को टच करती है। साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन के पास 6 इलेक्ट्रिक लोको शेड टाटा नगर, बोंडा मुंडा, संतरागाछी, बोकारो स्टील सिटी, राउरकेला और खड़गपुर तथा 3 डीजल लोको शेड बोंडा मुंडा, बोकारो स्टील सिटी और खड़गपुर स्थित है। दोस्तों, इसके अलावे टिकियापारा, खड़गपुर और पंसकुरा में EMU लोको शेड तथा संतरागाछी में कोच मेंटेनेंस शेड स्थित है। दोस्तों, SER जोन रेलवे के गुड्स सर्विस के लिए कई सारे माइंस डायरेक्ट कनेक्टेड है, जैसे कि आयरन ओर्स, स्टील, बॉक्साइड, कोल माइंस, लाइम स्टोन आदि, जो कि यहां से सीधे कनेक्टेड होने के कारण इस जोन को एक स्पेशल निकनेम ब्लू चिप रेलवे के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, इस जोन के आद्रा डिवीजन में टोटल ट्रैक्स की लंबाई 1962 किलोमीटर, चक्रधरपुर डिवीजन में 1947 किलोमीटर, खड़गपुर डिवीजन में 1959 किलोमीटर और रांची डिवीजन में 710 किलोमीटर रेलवे ट्रैक्स हैं। सन 2005-06 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा SER जोन में रेलवे रिक्रूटमेंट सेल RRC की स्थापना की गई, जो कि पूरे इंडियन रेलवेज में ग्रुप डी की वैकेंसी को हैंडल करता है। दोस्तों, सन 2017 में रेलवे के सर्वे के अनुसार SER रेलवे जोन को नंबर 1 रेलवे जोन का दर्जा दिया गया था, जो कि पैसेंजर सर्विस और फ्रेट ट्रैफिक के हिसाब से तय की गई थी। दोस्तों, इस जोन का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हावड़ा रेलवे स्टेशन है। तो इस वीडियो में आपने इंडियन रेलवेज के SER रेलवे जोन की हिस्ट्री और उससे जुड़ी सारी चीजों को जाना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।